कमलेश और आनंदी ढोलपुर गांव में रहा करते थे। वो दोनों अनाथ थे। ऐसे ही एक दिन बहुत ठंड थी और विष्णु नाम का एक आदमी रास्ता पूछते हुए कमलेश के पास पहुंचता है। सुनो बेटा, मुझे कुछ पूछना है, अगर तुम्हारे पास समय हो तो इस बुड्ढे की बात सुन लो। अरे हाँ हाँ अंकल, क्यों नहीं, मैं कौन सा पहाड़ तोड़ने जा रहा हूँ, अरे काम ही तो करना है मुझे। बताइए बताइए, आपको क्या कहना है मुझसे? बेटा मुझे बता सकते हो, यहाँ कोई कमलेश नाम का लड़का है जो अपनी बहन के साथ रहता है। हाँ, उसकी बहन दर्जी का काम करती है। वो क्या है ना, मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ कपड़े सिलवाने थे। अरे अरे, मैं ही हूँ उस दर्जी बहन का भाई, कमलेश। चलिए आप मेरे घर चलिए, जहाँ मेरी बहन कपड़े सिलती है। अरे वाह, ये तो अच्छा संजोग हो गया। मैं जिसे ढूंढता रहा गली गली, वो मिल गया मुझे रास्ते में। मेरी बीबी बता रही थी कि तुम्हारी बहन कपड़ा बहुत अच्छा सिलती है, तभी मैं यहाँ आया हूँ अपनी बेटी की शादी के लिए कपड़े सिलवाने। लेकिन अंकल जी, मुझे जहाँ तक मालूम है, जिसके कपड़े सिलने हैं उस शख्स का होना भी बहुत जरूरी होता है। अरे बिना नाप के कपड़े कैसे सिलेगी मेरी बहन? अच्छा ठीक है, आज तुम लोगों की दुकान देख लेता हूँ। अगली बार आऊंगा ना तो बेटी को साथ लेकर आऊंगा, बस एक बार दुकान देख लूं। कमलेश विष्णु को अपने दर्जी बहन की दुकान पर ले जाता है, जहां आनंदी कपड़े सिल रही होती है। तभी वहां कमलेश विष्णु को लेकर पहुंच जाता है और उसे देखकर बोलता है, दीदी देखो, ये अंकल तुम्हें ढूंढते हुए यहां आए हैं। पता है ये आज अपनी बेटी के कुछ कपड़े लेकर आए हैं। चुप हो जा, सॉरी अंकल, वो क्या है ना, मेरा भाई कुछ ज्यादा ही बोलता है। मैं अपने भाई की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा। ये जो बेसुध होकर बात करता है ना, ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और उनका दिल वो तो बहुत साफ होता है। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं जो भी बोलता हूँ सभी को बहुत पसंद आता है और कोई बुरा भी नहीं मानता मेरी बात का। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका, अब मेरी बहन के सामने मेरी तारीफ करने के लिए शुक्रिया आपका। बेटा बहन है तभी तो, तुम्हें इतना समझती है और तुम्हारी गलतियों के लिए खुद ही माफी भी मांग लेती है, ताकि कोई तुम्हें सुनाने आए तो तुम्हें नहीं इसे सुनाए और तुम्हें जिससे बुरा ना लगे। देखा, बहन होने का सच्चा फर्ज तो ये निभा रही है। लेकिन अंकल, आप जिस काम से आए थे वो पूरा करने के लिए आपकी बेटी का यहाँ होना बहुत जरूरी है, ताकि मैं उसका नाप ले सकूं और डिजाइन भी दिखा सकूं। ठीक है बेटा, मैं अपनी बेटी को लेकर कल आता हूँ। वैसे भी मुझे बहुत देर हो गई है, समय का तो पता ही नहीं चला कि समय कब गुजर गया। तुम दोनों से बातें करके मुझे अच्छा लगा, मैं कल आऊंगा। विष्णु अपनी बेटी के शादी का जोड़ा वहीं रख कर चला जाता है। अगली सुबह कमलेश दुकान पर बैठा दुकान की देखभाल कर रहा होता है, तभी वहाँ विष्णु अपनी बेटी को लेकर पहुँच जाता है। अरे बेटा, तुम्हारी बहन कहाँ गई, दिख नहीं रही? वो क्या है ना, मुझे बहुत जरूरी काम है और आज अगर वक्त पे नहीं पहुँचा तो शायद नुकसान हो जाए। अंकल दीदी बस आ ही रही होगी, वो क्या है ना, कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई हुई है, और आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं, मैं हूँ ना, मैं ख्याल रखूंगा। ठीक है बेटा, अगर तुम कहते हो तो मैं निकलता हूँ। निशा बेटी तुम यहीं रुको, और हाँ, कपड़े का नाप देकर जो अपना डिजाइन चाहिए हो पसंद कर लेना। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। पिताजी, क्या आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हो? मैं घर कैसे जाऊँगी? आपको तो पता है ना, मुझे कार में आने जाने की आदत है। अरे बेटा कोई बात नहीं, कमलेश है ना, छोड़ देगा तुम्हें घर। ये देखो कमलेश बेटा, तुम्हारी दीदी भी आ गई। और हाँ आनंदी बेटा, ये मेरी बेटी है, इसका नाप ले लेना, मैं जल्दी में हूँ, निकलता हूँ। हाँ, मैं तो इनको देख के ही समझ गई थी, यही है अंकल जी की बेटी। और बताओ कैसी हो, और हाँ कैसा डिजाइन चाहिए कि तो सबसे पहले बता दो मुझे, मैं नाप ले लेती हूँ तुम्हारा। और अंकल आप जा सकते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आनंदी निशा की ड्रेस का नाप लेती है और कुछ देर बाद कमलेश निशा को उसके घर छोड़ाता है, और घर आकर देखता है कि इतनी ठंड में भी कि आनंदी निशा की शादी का डिजाइनर सलवार सिलने बैठी है। अरे दीदी आप कितना काम करोगी, सुबह से काम करे जा रही हो, अरे खाने पीने का कोई होश है कि नहीं? मैं कहता हूँ आप काम छोड़ो और पहले खाना खाओ, सुबह से कुछ नहीं खाया है। ऐसी बात नहीं है कमलेश, मैं चाहती हूँ
निशा अपनी शादी में बहुत खूबसूरत दिखे। मेरे एक सिले हुए कपड़े की वजह से बाद में जब सबको पता चलेगा तो सभी मेरे पास ही कपड़े सिलवाने आएंगे। दीदी आप कितना सोचती हो ना हम दोनों के बारे में। जब से मैंने होश संभाला है आपको बस काम करते हुए ही देखा है। अरे हमारे माँ और पिताजी के बाद आपने ही हमें इतना बड़ा किया है। पागल, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हें भी ये सब करना पड़ता। अब मैं बड़ी बहन हूँ तो मैं ये सब कर रही हूँ। वैसे भी मेरी शादी के बाद सब कुछ तुझे ही संभालना होगा, समझा ना? नहीं, मैं कभी कुछ नहीं करूँगा। मैं तो आपके साथ दहेज में जाऊँगा। होने वाले जीजा को मंजूर हो ना हो, मैं तो फिर भी आपके साथ ही जाऊँगा। बस बस, कितना बोलता है। वैसे भी मैं तुझे कहीं भी छोड़कर नहीं जाने वाली। और हाँ, अब मुझे काम करने दे, बहुत काम है। निशा के कपड़े सिल के देने हैं। इतना बोलकर आनंदी काम करने लगती है, लेकिन कमलेश जोर जबरदस्ती उसे खाना खिलाता है और फिर दोनों भाई बहन काम पर लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शादी का घर था, आनंदी और कमलेश दोनों विष्णु के घर निशा के कपड़े लेकर पहुंच जाते हैं और तभी विष्णु बोलता है, अरे वाह, क्या बात है। मैं तो सोच ही रहा था कि आनंदी बेटा कहीं भूल ना जाए कि निशा की शादी कब है और उसका जोड़ा सिलने में देर ना कर दे। अरे अंकल जी, कैसी बात कर रहे हो। मैंने तो निशा के कपड़े उसी दिन सिलना शुरू कर दिए थे जब वो नाप देने आई थी, तभी तो मैं आज ये कपड़े लेकर आई हूँ। अंकल, मेरी दीदी ना तो टाइम से खाना खाती थी और ना ही ढंग से सोया करती थी, क्योंकि निशा दीदी की शादी के कपड़े जो सिलने थे। ठीक है, अब बस भी कर, हम चलते हैं। अंकल, अब हमें भी इजाज़त दीजिए, बहुत काम है मुझे। ऐसे कैसे चली जाओगी, मैं तुम दोनों को ऐसे नहीं जाने दूंगा। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें निशा की माँ से मिलवाता हूँ, वो बहुत खुश होगी तुम दोनों को देखकर। आंटी बहुत बिजी रहती हैं क्या, जो उनके पास वक्त ही नहीं है। उस दिन दुकान पे भी नहीं आई थी और आज यहाँ भी नहीं दिख रही हैं। हाँ बेटा, सही कहा, तुम लोगों की आंटी बहुत बिजी रहती है। ये सब तैयारियाँ वही देख रही है ना, और पता है ये सब तैयारियाँ उसी ने की है। सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ विष्णु की बीवी माधुरी आती है और विष्णु का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ ले जाती है। कैसे कहूँ मैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर ये बात किसी ने सुन ली तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगी। अरे पागलों की तरह क्या बोले जा रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जो भी बोलना है जल्दी बोलो और साफ साफ बोलो, देर हो जाएगी, बारात आने वाली है, जल्दी करो। और हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, बिटिया को तैयार करो। किसे तैयार करूँ, जबकि निशा घर छोड़कर भाग चुकी है। उसने एक लेटर छोड़ रखा था, अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देती। अब हम कैसे उनको अपना मुंह दिखाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता, रुको मैं निशा को फोन करता हूँ, अगर वो फोन उठा लेती है ना तो मैं उसे बात करता हूँ। आखिर बात क्या हो गई, वो घर छोड़ के कैसे जा सकती है। मैं कब से उसे फोन लगा रही हूँ लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रही है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। दोनों पति पत्नी बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ आनंदी आती है और उसे भी पता लगता है कि निशा अपनी शादी को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। कुछ देर सोचने के बाद माधुरी लड़के वालों को बुलाती है और कहती है, भाई साहब, हमारी बेटी भाग गई है। अगर आपकी हाँ है तो हम आनंदी को अपनी बेटी के जैसे विदा करना चाहेंगे, क्योंकि आनंदी भी हमारे घर की बेटी है, हमारी इज्जत का सवाल है। माधुरी की बात सुनकर लड़के वाले तैयार हो जाते हैं और ठंड में दर्जी दुल्हन बिहा कर अपने ससुराल चली जाती है और दहेज में अपने भाई को भी ले जाती है। प्रमोद अपने बेटे सूरज और अपनी बीवी ममता से बोलता है, हमें घर मिल गया है, वहाँ के लोग भी मुझे ठीक ही लगे और घर भी ठीक ही है और किराया भी कम ही था, इसलिए मुझे ठीक लगा तो मैंने हाँ कर दिया, हम वहाँ आज शिफ्ट हो सकते हैं। चलो एक काम तो अच्छा हुआ कि हमें घर मिल गया, वरना दो दिन से हम यहाँ सड़क पे रह रहे थे। मुझे माफ करना, मुझे पहले ही शहर आकर देख लेना चाहिए था, अगर मैं पहले ही ये सब पता कर लेता तो तुम दोनों को परेशानी नहीं उठानी पड़ती, मुझे माफ कर देना। पापा आप माफी क्यों मांग रहे हो, आपने तो हमारा ही भला सोचकर शहर आने का सोचा, और वैसे भी सबसे बड़ी परेशानी तो घर की थी, वो तो मिल ही गया ना, अब तो सब ठीक हो ही जाएगा। हाँ सूरज ठीक कह रहा है। अच्छा जरा ये बताओ घर कैसा है, मतलब ठीक तो है ना। हाँ घर तो ठीक ही है,
हर जगह इतना किराया था, इसलिए मैंने बस एक कमरा ही लिया है। और वैसे भी हमारा घर तो बन ही रहा है ना, जैसे ही घर पूरा बन जाएगा हम वहाँ चले जाएंगे, ठीक है ना? क्या बस एक कमरा, तो मैं खाना कहाँ बनाऊंगी? खाना बनाने के लिए तो रसोई होनी चाहिए ना। ममता जरा बात को समझो, गांव से हमें अचानक बस इसीलिए आना पड़ा क्योंकि हमारा घर बन रहा था, और वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन रहा था, वरना तो हम घर बनने के बाद ही आते हैं, है ना? हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें कौन सा वहाँ हमेशा के लिए रहना है, थोड़े दिन एडजस्ट कर लेंगे, घर बनाना जरूरी है ना, बस वो बन जाए फिर परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं खाना कहाँ बनाऊंगी? उन्होंने घर दिया है किराए पर, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हमें किराए पर रसोई भी देंगे। आप भी ना बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर लेते हो। ये घर हमारे घर के सबसे ज्यादा पास है, इसलिए मुझे ठीक लगा। और वैसे भी जिनसे मैंने कमरा किराए पर लिया है वो भी वही रहते हैं, नीचे उनका घर है, ऊपर वाला कमरा हमारा है, वहाँ कोई रसोई थी ही नहीं, इसलिए मैं क्या करता, बिना रसोई के ही मैंने कमरा ले लिया। माँ मेरी बात तो सुनो, कमरा तो है हमारे पास, तो आप कमरे में ही खाना बना लेना। दोनों बाप बेटे एक से बढ़कर एक हैं, जब कमरे में खाना बनेगा तो दोनों भागोगे कमरे से। ममता की बात तो सुन लेते हैं दोनों, लेकिन उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करती हैं और वहाँ पर रहने चले जाती हैं। दो दिन तो ममता कमरे में ही खाना बनाती है, लेकिन जब सूरज और प्रमोद को कमरे में खाना बनाने से परेशानी होती है तो वो भी ममता की बात को समझते हैं। सबकी परेशानी देखकर ममता घर की मकान मालकिन सुनीता के पास जाती है और उनसे बोलती है, बहन जी आपसे एक मदद चाहिए थी, बोलो अब क्या मदद चाहिए? देखिए उस एक कमरे में रहना और खाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, अगर आप हमें अपनी रसोई भी किराए पर दे देती तो बहुत अच्छा हो जाता। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? मुझे तो पहले ही पता था ये सब होना ही है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था तुम्हारे पति को कि ना ले ये कमरा, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, अब भुगतो। और हाँ, मैं अपनी रसोई किराए पर नहीं दूंगी। बहन जी हमें किसी भी चीज में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रसोई नहीं है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप हमें अपनी रसोई किराए पर दे देंगी तो हमारी भी परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतना बोल रही हो तो किराए पर दे देती हूँ रसोई, लेकिन रसोई में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, अगर थोड़ी भी गंदगी दिखाई देती है तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सुनीता ममता की बात को मान लेती है और अपनी रसोई ममता को किराए पर दे देती है। अगले दिन सुबह सुबह ममता रसोई का सारा सामान लेकर सुनीता की रसोई में जाती है, वहाँ सुनीता भी खाना बना रही होती है। सारा सामान देखकर सुनीता बोलती है, अरे अरे ये क्या है, सारा सामान क्यों ले आई तुम, ये रसोई तुम्हें मैंने किराए पर दी है। हाँ बहन जी किराए की रसोई है, तभी तो मैं यहाँ सामान भी ले आई, अब रसोई का सामान रसोई में ही होना चाहिए ना, इसलिए ही तो लेकर आई हूँ मैं। किराए की रसोई है ये, आपके पिताजी की नहीं, जो सारा सामान लेकर आ गई हो, जिसकी जरूरत है वो सामान लाओ और खाना बनाकर जाओ, खुद की रसोई नहीं है जो जब मन चाह आ गई, ठीक है ना? लेकिन कल ही तो आपसे बात हुई थी और किराए की रसोई के लिए आप मान भी गई थी, तो आज आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? यहाँ सारा सामान मैं आपसे पूछ कर ही तो लाई हूँ ना। नहीं मैंने बस किराए की रसोई के लिए हाँ बोला था, ये नहीं कि तुम यहाँ किराए की रसोई के नाम पर अपना घर ही बसा रही हो। जाओ यहाँ से, पहले मैं खाना बना लूँगी फिर तुम खाना बना लेना, और हाँ खाना बनाने के बाद पूरी रसोई को भी अच्छे से साफ करना है तुम्हें, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन आप थोड़ा जल्दी खाना बना लेना, क्योंकि सूरज को थोड़ा काम है बाहर, इसलिए उसे जाना है, और अब उसे ऐसे भूखे पेट तो भेज नहीं सकती ना, इसलिए। तुम्हारे बोलने से नहीं होगा यहाँ, जब मेरा खाना बन जाएगा तो बता दूंगी मैं, तभी आना, ये तुम्हारी किराए की रसोई है तो तुम इस पर ज्यादा हक मत जताओ। सुनीता की बात ममता को तो बुरी लगती है, लेकिन मजबूरी में ममता को सुनीता की बात से सहमत होना ही पड़ रहा था, और वो सुनीता की बात मान लेती है। जब सुनीता रसोई से बाहर जाती है उसके बाद ही वहाँ जाकर ममता खाना बनाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है और किराए की रसोई में खाना बनाना ममता के लिए दिन प्रतिदिन और भी मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जल्दबाजी में ममता खाना बनाने के बाद रसोई को बिना साफ किए ही वहाँ से चली जाती है। बाद में जब वहाँ सुनीता आती है
और ऐसे बिखरी हुई रसोई देखती है तो ममता के पास जाती है और बोलती है, ममता तेरी रसोई किराए की थी लेकिन तुझे पता है ना मैंने तुझे रसोई किराए पर क्यों दी थी। हाँ पता है, आपने मेरे बोलने पर ही मुझे किराए पर रसोई दी थी, लेकिन आप ऐसे अचानक से क्यों पूछ रही हो, क्या हो गया है सभी? हुआ ये है कि तू रसोई को गंदा ही छोड़कर आ गई है। तुझे मैंने बोला था ना किराए की ही भले, लेकिन रसोई तो तेरी ही है, साफ करना तेरा फर्ज बनता है ना, तो साफ क्यों नहीं किया तूने? अगर आप ये बात मुझे बोल रही हो तो ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि किराए की रसोई ही सही, लेकिन मेरी भी रसोई है ना, तो मैं इसे अभी साफ करूं या थोड़ी देर बाद साफ करूं, इसमें मेरी भी तो मर्जी होगी ना। अच्छा अब तू मुझे तेवर भी दिखा रही है, ये तेवर तब कहाँ गए थे जब तू मुझे रसोई किराए पर लेने आई थी, तब तो बड़ी मिन्नत कर रही थी कि रसोई किराए पर दे दो, और जब मिल गई तो ठाट भी चाहिए। देखिए अब ना आपका ज्यादा हो रहा है, मैं रोज ही रसोई को साफ कर देती हूँ लेकिन आज मुझे कुछ काम था इसलिए मैं नहीं कर पाई, तो आप मुझे इतना क्यों सुना रही हो, आप खुद ही क्यों नहीं कर देती, आपकी भी तो रसोई है ना, तो खुद ही कर लो साफ, अपना टाइम भी बच जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि तुझे किराए पर रसोई देकर मैंने भी कोई बड़ी गलती कर दी, तभी तो देखो किराए की रसोई मिलते ही तेवर भी बदल गए तेरे। तो तेवर मेरे नहीं आपके बदले हैं, किराए की रसोई थी मेरी लेकिन आप तो ऐसे बर्ताव कर रही थी मेरे साथ जैसे मैं रसोई को साफ करने वाली हूँ, जबकि हम आपको किराए के पैसे भी दे देते हैं। दोनों में काफी देर तक बहस होने लगती है और धीरे धीरे बात भी आगे बढ़ने लगती है। बात लड़ाई में बदल ही रही होती है कि तभी वहाँ प्रमोद और सूरज आ जाते हैं। दोनों को ऐसे बहस करता देख प्रमोद बोलता है, आप दोनों ऐसे बहस क्यों कर रहे हो? देखिए ना हमारी ही किराए की रसोई थी और हमें ही सुना रही है, हमने किराए पर ली है तो हम पैसे भी तो देते हैं ना, लेकिन ये तो हमारे संग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हमें खरीद ही लिया हो इन्होंने। अच्छा अब रसोई किराए की है तो सुनना भी पड़ेगा ना, पहले तुम्हारे पति ने आकर कमरे की बात बोली थी और फिर तुम आकर मेरी रसोई को किराए पर लेने की बात बोल रही हो, तो मैं कुछ बोलूं भी ना? ठीक है आंटी, किराए की रसोई थी ना, तो अब हमने अपनी रसोई और घर दोनों ही ले लिया है, तो अब हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। चलो इतनी सारी परेशानी में एक चीज तो अच्छी ही हुई है, अब हम अपने घर जा रहे हैं। ममता अपने परिवार के साथ अपने घर में रहने के लिए चली जाती है और इतने दिनों तक किराए की रसोई में खाना बनाना ममता को बहुत भारी पड़ता है। चंदन नगर गांव में रहने वाला बबलू बाजार से सब्जियां लाकर अपने घर की ओर जा रहा था, तभी पानी लेकर आती हुई कुछ लड़कियां हंसते हुए कहती हैं, देखो तो जरा क्या जमाना आ गया है, आजकल के लोग अपने बच्चों से बाल मजदूरी करवा रहे हैं। हाँ बेचारा बच्चा, देखो ना इसका तो सब्जी का थैला भी इससे बड़ा है। देखो लड़कियों मुझ पर हंसने की जरूरत नहीं है, और मैं कोई बच्चा नहीं बल्कि गबरू जवान हूँ। गबरू जवान, और तुम क्यों मजाक बनाने वाली बातें कर रहे हो, तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम तक जवानी आकर वापस लौट गई है। देखो मैं भले ही बोना हूँ लेकिन असली सोना जैसा खरा मिजाज है मेरा। जाजा बोने बहुत देखे तेरे जैसे नकली सोने। इतना कहकर वो लड़कियां मटका लिए मटकती हुई वहां से चली जाती हैं और बबलू सब्जियां लेकर घर आता है जहां उसकी माँ सरला स्टोव जलाने की कोशिश कर रही थी। काफी कोशिश करने के बाद भी स्टोव नहीं जलती और वो थककर बैठ जाती है। अब इस मरी स्टोव को क्या हो गया, कहीं खराब तो नहीं हो गई? हाय दैया इस गरीब पर कोई रहम करो, अभी स्टोव को ठीक कराने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी। अरे मेरी प्यारी माँ क्यों उदास होती हो, स्टोव खराब नहीं हुआ है, गैस खत्म हो गई होगी। आ गया तू, कितनी देर लगा दी सब्जी लाने में तूने। माँ सब्जी इतनी महंगी है कि मुझ जैसा गरीब बोना तो सोच में पड़कर अपनी जेब टटोलने लगता है, इसीलिए सोच समझकर दो चार सब्जियां ही लाया हूँ। पता नहीं पैसों की तंगी से कब निजात मिलेगी, जा गैस भरवा ला वरना दुकान बंद हो गई तो खाने की दिक्कत हो जाएगी। हाँ जाता हूँ। आराम से, कहीं सिलेंडर के नीचे ना दब जाइयो। क्या माँ इतना भी बोना नहीं हूँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इतना कहकर बबलू छोटा सिलेंडर उठाए बाहर चला जाता है और उसकी माँ सब्जियाँ काटने लगती है। बबलू जिसे गांव वाले बबलू नहीं बल्कि बोना या टिंगो कहकर पुकारा करते थे, क्योंकि भले ही बबलू 23 साल का जवान था लेकिन उसकी हाइट किसी 13 साल के बच्चे जितनी थी। साथ ही वो बहुत गरीब भी था जो कि अपना और अपनी माँ का गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाता था। गांव के लोग उस गरीब बोने का बहुत मजाक बनाते थे,
लेकिन गांव में उसका एक जिगरी दोस्त था मंगलू, जिसके साथ समय बिताकर उसे अच्छा लगता था। एक रोज बबलू अपने दोस्त मंगलू के साथ गांव की एक शादी में जाता है, जहां फेरे लेते हुए दुल्हा दुल्हन पर फूल फेंकते हुए मंगलू कहता है, यार बबलू, हमारे फेरे कब होंगे? जब कोई लड़की मिलेगी। लड़की तो बहुत मिली है, लेकिन हमको कोई पसंद ही नहीं आती। कैसा खच्चर है तू, तुझे लड़की मिल रही है तो पसंद नहीं आ रही, और यहाँ एक मैं बोना जिसे पसंद से क्या, लड़की मिल जाए वही बहुत है। ऐसा काहे सोचता है बबलू, जानता है ना, सबकी जोड़ी ऊपर से बनकर आती है, तुम्हारे लिए भी बैठी होगी कोई बोनी। मुझे तो नहीं लगता, एक तो बोना ऊपर से गरीब, ऐसा पति कौन सी लड़की चाहेगी। मंगलू, मुझे तो लगता है ये तेरा गरीब बोना दोस्त कुआरा ही मरेगा। अरे यार, अभी आधी जिंदगी नहीं गुजरी, तुम मरने की बात करते हो, राम जी सब भली करेंगे, शादी का लड्डू खाने को मिले ना मिले, चलो शादी का खाना ही खा ले। तभी दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। समय बीतता है, बबलू की बढ़ती उम्र के साथ उसकी माँ सरला को उसकी शादी की जल्दी होने लगी थी, क्योंकि बुढ़ापे के कारण अब वो भी घर को नहीं संभाल पाती थी। तो बबलू जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था, उस सेठ के गांव से शहर चले जाने के कारण उसका काम भी छूट जाता है, जिसके कारण उसके घर में पैसों की तंगी होने लगी थी। एक रोज खाना खाते हुए बबलू अपनी माँ से कहता है, माँ ये सब्जी तो कच्ची कच्ची लग रही है, ढंग से पकाई नहीं है क्या? हाँ नहीं पकाई, क्योंकि सब्जी में मसाले डाले तभी गैस खत्म हो गई, अभी आधी कच्ची पकी सब्जी ही बनी है, ऊपर से पैसे भी नहीं है जो गैस भरवा लेती। माँ मैं समझता हूँ, लेकिन मुझ बोने को बच्चा समझकर लोग काम देने से ही मना कर देते हैं। मैंने मंगलू से भी बात की है तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। अच्छा माँ, वो विमला काकी ने कोई रिश्ता बताया कि नहीं? अरे वो कहाँ से रिश्ता लाएगी, कहती है एक तो तुम्हारा बेटा बोना, ऊपर से अब कोई काम भी नहीं कर रहा तो बीवी का खर्चा कहाँ से उठाएगा। मैं तो खुद घर में बहू आने की राह देख रही हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे नसीब में बहू का सुख लिखा भी है या नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर बबलू खाना छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और काम ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। कुछ दिनों बाद मंगलू की मदद के कारण उसे एक गैरेज में नौकरी मिल जाती है, जहां वो गाड़ियां ठीक करने का काम भी सीखने लगता है, गाड़ियों की धुलाई भी करता है। 2 महीने का समय बीत जाता है और एक रोज बबलू अपनी माँ और दोस्त मंगलू के साथ दूसरे गांव में रिश्ते के लिए लड़की वालों के घर जाता है, जहाँ उनकी खूब आव भगत होती है। थोड़ी देर में एक काली सी लड़की चाय नाश्ता लेकर सामने आती है, तो उस लड़की की माँ सुनीता मंगलू को देखकर कहती है, बेटा यही है मेरी बेटी कविता, तुम्हें इससे जो पूछना है पूछ लो। अरे हम काहे के लिए कुछ पूछे? बेटा अब शादी तुम्हें करनी है तो सवाल भी तुम ही पूछोगे ना? नहीं नहीं बहन जी, ये लड़का नहीं है, लड़का तो ये है बबलू। बहन जी देखिए मजाक मत करिए, माना कि मेरी लड़की काली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी शादी ना हो या मैं अपनी बच्ची की शादी किसी से भी करवा दूं। अरे अरे आंटी जी, बच्चा नहीं, यही तो सच्चा लड़का है, हम तो इसके दोस्त हैं। हे भगवान, यानी आपका बेटा बोना है बहन जी? हाँ तो आपकी लड़की भी तो काली है, ये तो आपने बताया ही नहीं था। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी के लिए एक बोने लड़के का रिश्ता आएगा। आप लोग शांत हो जाइए, देखिए आंटी जी, ना हमें कुछ पता था और ना आपको, लेकिन अब तो सारी सच्चाई सामने है ना, तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की जगह क्या हम शांति से बात नहीं कर सकते? हाँ माँ, ये हमारे मेहमान हैं, पहली बार घर आए हैं, ऐसे बात करेंगी तो अच्छा लगेगा। हाँ आंटी जी, देखिए लड़का लड़की ने एक दूसरे को देख लिया है, अच्छा होगा कि आप इन दोनों को अकेले में बात करने दें। तभी सुनीता खुद को शांत करती है और अपने मन में कहती है, शायद यही ठीक होगा, वैसे भी कविता के काले रंग के चलते रिश्ते घर आकर लौट जाते हैं, ऐसे ही चलता रहा तो मेरी बिटिया का तो घर ही नहीं बसेगा। जिसके बाद सुनीता सरला से ठीक से बात करने लगती है, तो वहीं कविता और बबलू भी आपस में बात करने के लिए आंगन में आ जाते हैं, जहां कविता और बबलू एक दूसरे से जान पहचान करते हैं। दोनों को बातें करने पर पता चलता है कि दोनों ही समाज के बुरे बर्ताव का शिकार रहे हैं, जिसके कारण एक दूसरे को उनकी कमी के साथ अपनाते हुए वो एक दूसरे से शादी के लिए हाँ कर देते हैं, और उनकी हाँ सुनकर उनके परिवार वाले भी मान जाते हैं। और कुछ समय के भीतर ही बोने की शादी काली कविता से हो जाती है और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करते हैं। एक रोज गांव की 2 लड़कियां बबलू के घर से गुजर रही थी, तभी कपड़े सुखाती कविता को देखकर वो ताना कसते हुए कहती है, ये देख यही काली बनी है बबलू बोने की लुगाई। अरे अरे अरे,
कितनी काली है, ये तो वही बात हो गई, बोने के हाथ काला सोना लग गया। और तुम लोग तो अब अपनी सोचो, देखो सासू माँ क्या जमाना आ गया है, मेरे जैसी काली का घर बस गया और ये गोरिया कुंवारी घूम रही है। हाँ काली ही सही, लेकिन मेरा बेटा मेरे लिए सोने सी बहू लाया है। उनकी बातें सुनकर दोनों लड़कियाँ मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती हैं। समय बीतता है, बबलू भी गैरेज पर काम करते हुए गाड़ियाँ ठीक करना सीख जाता है। मेहनत से काम करके और अपने और अपने परिवार की जीविका को वो अच्छे से चलाता है और अपने परिवार के साथ जिंदगी में आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।